अस्सलाम व्यूअर्स, जैसे आप सब जानते हैं लास्ट टाइम हमने आई बॉल मॉडलिंग की थी कैरेक्टर में कैरेक्टर। अभी फेस मॉडलिंग चल रही है, बॉडी मॉडलिंग हम कर चुके हैं। इसकी वीडियो सीरीज़ आप देख सकते हैं, क्लास वन से क्लास ट्वेल्थ तक जो है वो बॉडी मॉडलिंग है, उससे ऊपर जितना भी है वो अब फेस मॉडलिंग की तरफ जा रहा है। तो फेस मॉडलिंग में आज हम जो है वो फेस के हवाले से काम करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने ये आई बॉल मॉडल किया था, जो कैरेक्टर का आई है उससे मिलता जुलता हमने जो है वो आई यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब इसको हम जो है वो फेस के अंदर फिट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले फेस के हवाले से अगर देखा जाए तो आप इसके अंदर वो जो इसकी फीचर्स हैं फेस के वो निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो इसकी डिटेलिंग के हवाले से हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ से वर्टेक्स मोड लेता हूँ, ये हिस्सा थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल डल गई, आखिरी ये क्लास आप देख सकते हो, यानी अभी जो लेक्चर आप देख रहे हो, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उससे एक पहले, अगर फर्ज करें ये 13 नंबर है तो ये 12 में, अगर ये 14 है तो ये 13 पे होगा। मेरा नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन एक पहले इससे आपको मिल जाएगा। ओके अच्छा, अब देख जैसे कि मैं इसको अगर आईज के लिए जो है उसकी जगह बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ और स्पेस बार दबा के यहाँ से फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू पे आने के लिए यहाँ से मैं जो है वो इसको मैं रिजिड मोड में ले आता हूँ, पहले वन प्रेस किया मैंने, ये रिजिड मोड में आ गया। हाँ, और इसको कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले अगर आप इसको एक्सरे मोड में देखें, यानी ये आपका एक्सरे मोड है, ठीक है, ये आपका शेडेड मोड है और ये एक्सरे मोड है, जिससे आपको पता चलेगा कि आई की लाइंस किधर आ रही हैं या नोज़ की लाइन किधर आ रही है, उसी हिसाब से आप जो इसको बना सकते हैं, नोज़ को जो शेप आप देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या आई को जो शेप आप देना चाह रहे हैं। तो अभी क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं आईज़ के लिए हमें जो एक सॉकेट सा बनाना है इसके अंदर, ठीक है, आई सॉकेट आप कह लें इसको, तो वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे आसान तरीका इसका ये है कि मैं इसके पॉलीगॉन्स फेसेस, ठीक है, ये दो फेसेस हैं, हाफ फेस या हाफ बॉडी तो हम समझ लें कि इसमें जो है वो अलग से बनाएंगे, लेकिन ये हाफ जो है ये खुद बना के देगा, यानी हाफ पे हम काम करेंगे, बाकी के हाफ को ये खुद बना के देगा। तो अभी मैं काम सिर्फ इस वाले हिस्से पे कर रहा हूँ और इस पे नहीं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ आईज बनती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये कि बाद में आप देखोगे कि मैं इसको यहाँ पर भी ले लूँगा, यानी यही चीज़ कॉपी होके इधर आ जाएगी। जैसे आपको याद है हमने बॉडी में भी यही किया था कि हाफ हमने बनाया था और हाफ हमने मिरर कर लिया था इसका। तो यहाँ पर इसका चूंकि आई सॉकेट निकालना है या जिसमें आई बॉल हमने फिट करना है, तो सबसे पहले इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ इस सामने वाले पोर्शन को। तो एक्सट्रूड के ऑप्शन आपको याद होगा ये रहा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप स्केल पर क्लिक करते हुए आपने स्केल कोई सा भी, ये तीनों में से कोई सा भी स्केल आप ले सकते हो, और ये ब्लू हैंडल आपको दिख रहा है लाइट ब्लू कलर का, इस पर जाके आप जब लेफ्ट माउस से ड्रैग करोगे तो ये हो जाएगा इसका इनसेट, ये इनसेट हो रहा है इसका अंदर की तरफ, ठीक है। अब चूंकि इनसेट हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इनसेट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा लाइनें आपको ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ पर ना, एक्स्ट्रा एक एज की ज़रूरत है, तो वो भी मैं लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये इस तरह से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है थोड़ा सा, और इसके जो वर्टेक्स है या वर्टिसेस कह लें आप इसको, तो उसको भी हम पॉलीगॉन की शक्ल में पहले फैला देंगे। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स लिया, अब ये सामने वाले या बैक वाले ये पता नहीं चल रहा, ये पीछे वाले या आगे वाले, तो आप क्या करें यहाँ से आ जाएं पर्सपेक्टिव व्यू में और एक्सरे मोड ऑफ कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट वाले कौन से, ये फ्रंट वाले, तो आप ये वाला वर्टेक्स जो है इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लूँगा, जबकि ये वाला वर्टेक्स आपका आ जाएगा थोड़ा इस तरफ राइट साइड पे, ठीक है। दरमियान में हमें चूंकि एक एडिशन करनी है लाइन की, और उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे इंसर्ट एज लूप टूल, मैं अभी इसको हाफ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रहने देता हूँ, आखिर में इसको जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको हाफ डिलीट कर देंगे। अभी क्या है कि मैं इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में तो लेकर आ गया, और यहाँ पर आपके पास मैश टूल के अंदर ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट एज लूप टूल, जिससे एक एक्स्ट्रा लाइन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी
और मैं एक लाइन कहाँ रखना है तो मुझे मिड में या मिडल में रखनी है ताकि इसको परफेक्ट एक पॉलीगॉन जैसी शक्ल हम दे सकें। इससे आपकी ज्योमेट्री में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी आई सॉकेट बनाने में, जो कि बन भी रहा है। आप देख रहे हो थोड़ा सा होल सा बन गया अंदर, है ना, ये आई सॉकेट बनने जा रहा है। तो इसको मैं वन दोबारा प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं अगेन ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। ठीक है, आप लाइन्स ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से वायर फ्रेम ऑन शेडेड का ऑप्शन है ये वाला, तो आपको लाइनें क्लियर दिखेंगी यहाँ पे। और अभी आपका इंसर्ट एज लूप टूल ऑन है, तो क्या करेंगे कि इसको ऑफ क्यू प्रेस करके आप ऑफ कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा और पॉलीगोनल शक्ल लगाने के लिए मैं यहाँ से वर्टेक्स मोड ले रहा हूँ। इन दो वर्टेक्स को थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा परफेक्ट पॉलीगॉन बनने शुरू हो जाएगा। ये ऊपर का जो है ये, इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो आपका आईब्रो वाला एरिया आपका काफ़ी डेवलप हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, इनको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये सेंटर का वर्टेक्स है, और इसको छेड़ दिया तो ये आपकी ज्योमेट्री को ख़राब कर देगा। तो ये लाइन तो एज इट इज़ रहने दें जैसे है, और बाकी इसको हमने तो थोड़ा सा ये लिया और थोड़ा अंदर की तरफ भी कर दिया इसको। जैसे आप देख रहे हैं एक ढलान सी आ रही है, एक स्लोप सा आ रहा है। ठीक है, चारों तरफ से एक स्लोप सा बन रहा है, तो ये स्लोप लाने के लिए हमने इस तरह से कर दिया। और थ्री प्रेस करके आप देख भी सकते हैं कि ये कुछ एक स्लोप सा बनेगा, जैसे यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपका एक स्लोप सा बन जाएगा। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इस पॉलीगॉन को, वापस से आता हूँ पॉलीगॉन मोड में, और ये चारों पॉलीगॉन शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से वापस से आएंगे फ्रंट व्यू पे और एक्सरे मोड दोबारा ऑन करेंगे, तो आप ये गुमान हो ही नहीं सकता कि ये पॉलीगॉन पीछे के तो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सामने के चारों। आ जाए मैडम, दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी जो है मैं एक दफ़ा और इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए, ताकि ये वाली लाइन आपकी बन जाए, तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, स्केल पे क्लिक किया, और अगेन अंदर की तरफ एक आपने इंसर्ट कर देना इस तरह। हिलाएगा नहीं बेटा, हिलाएगा नहीं। ठीक है, ये माउस हिलने से मेरा ये शेप बिगड़ रही है। ओके, डन हो गया। और यहाँ से मैं अगेन लेता हूँ वर्टेक्स मोड। ठीक है, और अभी आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आप चाहें तो, या फिर एक काम करें, ज़रूरी नहीं आपको किसी और मोड में जाएं, आप इसका एक्सरे मोड ऑफ कर दें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्टेक्स सामने वाला है, कौन सा पीछे वाला है। तो ये जो चार अभी बने हैं, यानी कि ये जो, इसको भी आप काफ़ी हद तक पॉलीगोनल शेप में और मज़ीद ढाल दें, थोड़ा सा मज़ीद पॉलीगोनल शेप में ले आता हूँ उसको। ठीक है, तो ये जो चार वर्टेक्स थे, काफ़ी गोलाई में मैं इसको ले आया हूँ। और ये हिस्सा जो है पॉलीगॉन्स का, अगर आप फेस ले लें तो ये, अगर आप यहाँ से राइट व्यू से देखें तो ये आपका वाला हिस्सा थोड़ा अंदर भी जाएगा। अगर मैं फोर दबा दूँ तो ये वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा। आप देख सकोगे कितना अंदर लिया मैंने इसको, इतना अंदर लिया तकरीबन। सिक्स प्रेस के दोबारा, और अब आप इसको पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, तो अब मज़ीद ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है। ठीक है, आपका जो ये सॉकेट है या जो भी इसको नाम आप दे दें। और थ्री प्रेस करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से शक्ल बन रही है। मज़ीद की ट्विकिंग आगे होगी, अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि एक फाइनली एक आपको इसका आई सॉकेट बनाने के लिए, या जिसके अंदर आई बॉल फिट होगी वो बनाने के लिए, मैं यहाँ से फिर से आता हूँ फ्रंट व्यू पे और यहाँ से अगेन एक्सरे मोड ले लेता हूँ। और एक्सरे मोड लेने के बाद एक दफ़ा और इंसर्ट होगा ये। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा ट्विकिंग कर देता हूँ शेप को, थोड़ा सा स्केल किया मैंने और थोड़ा मूव किया नीचे की तरफ इस तरह। ठीक है, वन प्रेस करके भी देख लें। ठीक है, कुछ इस तरह पॉलीगॉन हो गए। और मैं दोबारा थ्री प्रेस करता हूँ, तो अब करना ये है कि आपने यहाँ पर एक दफ़ा और जो है वो इंसर्ट लगाना है इस सॉकेट तक लाने के लिए। ये मज़ीद और अंदर जाने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये पलके हैं तो इसको मैं अभी अंदर नहीं लेके आऊँगा, बल्कि दो हिस्सों में इसको बाहर की तरफ लेके आऊँगा। पहला हिस्सा इसका पलक का ये हिस्सा बनाएगा, और दूसरा जो है वो पलक का ये किनारियाँ जो है, या इसकी जो एंड कह लें या किनारियाँ कह लें, ये बनाएगा। दो हिस्सों में इसको हमने एक्सट्रूड करना है। तो पहले एक्सट्रूड किया मैंने, इंसर्ट करने के लिए स्केल पे क्लिक किया, और एक हिस्सा मैं इसका इंसर्ट कर रहा हूँ इस तरह। ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, तो अगर यहाँ से नहीं दिख पा रहा तो आप यहाँ से स्पेस बार दबा के राइट व्यू पे आ जाएंगे, और यहाँ आप जानबूझ के इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ,
आप दो एक्सिस से पकड़ लें ताकि ये सीधा बाहर की तरफ, बल्कि समथिंग रॉन्ग, हाँ स्केल हो गया, तो ये स्केल का बटन आ रहा है, तो मैं इसको क्यू प्रेस करता हूँ ताकि ये इस मोड से बाहर आ जाए, यानी पॉलीगॉन मोड से बाहर आ जाए, और डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मूव टूल आ गया, बेहतरीन हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले रहा हूँ इसकी पलक बनाने के लिए, और ये इस तरह से आ गया। और अब यहाँ पे जो है, आप थ्री प्रेस करके भी देख सकते हैं कि एक, अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से भी देखें और एक्सरे मोड ऑफ कर दें, तो आपको दिखेगा थोड़ा पलक की तरह यहाँ पे भी एक, जैसे इसके एक बल्ज सा आ रहा है, तो यहाँ भी आप बल्ज जनरेट कर सकते हैं इसको थोड़ा बाहर अंदर करके। एक और दफ़ा होगा डिफॉर्मेशन इसकी, फ्रंट व्यू पे फिर आ गया, और यहाँ से वापस से मैं जो है यहाँ से एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ, और इसको एक फाइनल टाइम जो है आपने थोड़ा सा ट्वीकिंग कर दें, आप इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ताकि ये ज्योमेट्री के तकरीबन तस्वीर के बराबर बराबर हो जाए। एक फाइनल टाइम आप इसको वन प्रेस करके भी देख लें। अब मैं दोबारा थ्री प्रेस करता हूँ। अच्छा, वन प्रेस करके आप एक दफ़ा इसको एक्सट्रूड कर लें, फाइनली जो है वो इसके सॉकेट के बराबर हो जाएगा, यानी स्केल करके ये जो आई सॉकेट है इसके बराबर लेकर आ जाओ। आ रहे समझ में? भले इसको छोटा हो जाए, अब इसको सही कर दें। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स मोड लिया, और ये वर्टेक्स ऑब्वियसली यही है, पीछे तो हो नहीं सकते ये, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बनाया है, तो इसको आई को देखते हुए इसकी शेप से बिल्कुल मुताबिकत या सिमिलैरिटी रखते हुए बिल्कुल इसको सिंक कर देंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे। अब दो एक्सिस से पकड़ के भी इसको मूव कर सकते हो, आंखों की किनारियों पे रख देंगे, आसान लफ्जों में, इससे आसान वर्ड नहीं है। ये वाला वर्टेक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया जाएगा, और ये दो वर्टेक्स भी इसी तरह से किनारियों पे आप लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर से आप आ जाओगे यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में, पॉलीगॉन सॉरी फेस मोड में, और इसको आपने थोड़ा सा मजीद बाहर की तरफ लेके आना है पलक बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ और राइट व्यू पे आता हूँ, और थोड़ा सा मजीद बाहर की तरफ ये आएगा, ये जो बल जा रहा है ना, ये चीज़ बन रही है, देख रहे हैं आप, ये आँख की पलकें बन रही हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अभी भी डिलीट करने का टाइम नहीं आया, अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, अभी तस्वीर आपको थोड़ा 19-20 बता रही है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप गलत बना रहे हो, आप बिल्कुल सही बना रहे हो, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है इसको बाहर तो मैं लेकर आ गया, इसको थोड़ा सा आपने वापस से लेकर आ जाता हूँ फ्रंट व्यू पे, थोड़ा सा इसको मैं एक्सट्रूड करते हुए अंदर की तरफ लूँगा, तो इसकी पलक की एक मोटी लेयर बन जाएगी यहाँ पे, यानी मैं अगर यहाँ पे एक्सट्रूड करते हुए इनसेट कर दूँ और एक बॉर्डर बना लूँ, लेकिन ये बहुत ही बारीक सी बॉर्डर बनेगी बस। और फिर आप इसको राइट व्यू पे आते हुए इस बॉर्डर को आपने अंदर ले जाना, इस तरह के आप थोड़ा सा अंदर मूव कर दें इसको, यानी पहले आप क्यू प्रेस करें ताकि आप पॉलीगॉन मोड से बाहर आ जाए, डब्ल्यू प्रेस करें ताकि मूव टूल आ जाए, इसको मामूली सा अंदर की तरफ ले लें, थोड़ा सा दबाव एक आ जाएगा, और उसके बाद आप एक्सट्रूड करते हुए इसको दो तीन दफ़ा अंदर ले लेंगे, यानी कि इसको एक दफ़ा अंदर ले लें इस तरह से, एक हल्का सा मामूली सा बारीक सा, और फिर एक और दफ़ा जी प्रेस करें, रिपीट लास्ट सेक्शन, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पलक के अंदर का, आंखों के अंदर का हिस्सा बन गया ये, ठीक है, जो कि जाके डायरेक्ट सॉकेट से लग जाएंगी, यानी कि आई बॉल्स के साथ जुड़ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सॉकेट डिलीट हो गया है, और फ्रंट व्यू से, या इसको हम यहाँ से स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव से लेकर आता हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सरे मोड अगर मैं बंद कर दूँ और थ्री प्रेस करके आपको दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरह बन गया है। आ रहा है कुछ समझ में? जैसे कैरेक्टर का भी आपको आई नज़र आ रहा है। थोड़ी सी फाइनल ट्विकिंग करते हुए हम इसको काफ़ी हद तक इससे मैच कर देंगे, यानी अगर मैं इसको, इससे पहले कि मैं इसमें आई वॉल फिट करूं, मैं क्यों ना इसको ट्वीक कर लूं थोड़ा सा, यानी अगर मैं यहां से एक्सरे मोड ऑन कर दूं और राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड भी ऑन कर दूं, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको मज़ीद क्या गुंजाइश है, जो मुझे लग नहीं रहा है इतना ज़्यादा, काफ़ी हद तक बेहतरीन इसकी सिंक्रोनाइजेशन है, फिर भी आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट कर लें जैसे आपको आई बॉल में नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर बॉर्डर वाले जितने भी वर्टेक्स हैं इनको सेट कर लेंगे, ताकि काफ़ी हद तक इससे मैच कर जाए जो कि हो रहा है। दो एक्सिस से पकड़ के भी आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं।
आ रहे समझ में? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा और काफ़ी बेहतर हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएँ दोबारा से, इसको एक्सट्रीम मोड से बाहर लेकर आ जाएँ, और अब बारी आ गई है इसके सॉकेट में इसको फिट करने की। तो मैं पर्सपेक्टिव पे आ जाता हूँ, और ये वाला जो आई बॉल है इसको फिट करता हूँ। सबसे पहले तो इसका साइज़ आप देख रहे हो, और राइट क्लिक करके पहले तो आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद इस वाले आई बॉल को सिलेक्ट करके आप जगह पे ले आओ। बहुत ही बड़ा साइज़ मैंने बताया, एफ दबाया मैंने, बनाया था, और इसको मैं स्केल कर लूँगा छोटा साइज़ में। आर प्रेस किया, यूनिफॉर्म स्केलिंग, चपटा और चौड़ा नहीं करना है इसको, ठीक है? और इसको पहले तो राइट व्यू से देखते हैं, और राइट व्यू से देखते हुए बिल्कुल आई लेवल पे ले आता हूँ उसको। फोर प्रेस करता हूँ ताकि मुझे दिखे कि ये आई बॉल कितना बड़ा है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं है आई सॉकेट के हवाले से। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। आर प्रेस किया, यूनिफॉर्म स्केलिंग, चपटा नहीं करना, चौड़ा नहीं करना, और कुछ ऐसा हो गया। अब इसको मैं फ्रंट व्यू से भी देख लेता हूँ। मूव किया, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको यहाँ पे रखा। मज़ीद छोटा करना है या नहीं करना, ये अब आपको देख के पता चलेगा जब आप शेप को देखोगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको 6 दबा देता हूँ, और बेहतरीन हो गया ये। अभी चूँकि एक काना है ना, ये एक ही आँख वाला है, तो दज्जाल ही लगेगा। अच्छी बात कर दी आपने भैया। चले, बहरहाल सेंट्रलाइज भी कर दिया, और ये पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, बेहतरीन हो गया ये। और बाकी इसकी जो ट्वीकिंग है वो होगी आगे क्लास में। एक ये कि पीछे भी है, इसको आप चाहे तो पर्सपेक्टिव में ही देखते हुए आप ले लें, या फिर इसको आप दूसरे व्यू से भी, क्योंकि अभी इस तरह से आंख बाहर नहीं आएगी, आपकी आईज तो ऐसे ही फिट होगी, और इसके जो मैश के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो कैसे आएगा अभी बताता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले मैं इसको राइट व्यू से भी देख लूँ एक दफ़ा, फोर प्रेस करके, कि ये कहाँ पर रखा है मैंने इसको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अच्छा, और फ्रंट व्यू पे दोबारा आ गया, 6। अच्छा, अब मैश को थोड़ा सेट करने की ज़रूरत है, यानी कि इसको अगर मैं पर्सपेक्टिव पे ले लूँ, और यहाँ से मैं मैश को जो है वो सही करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आई बॉल तो सीधी रहेगी। आई बॉल आपका सीधा है, वो टेढ़ा नहीं है, ठीक है? वो आपने सीधा रखना है। मैश के अंदर आप कुछ चेंजेस करोगे, जैसे कि यहाँ से, जैसे कि आप राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड ले लोगे, और दो दो वर्टेक्स या जितने भी वर्टेक्स हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे ये वाले, और इत्मीनान कर लें, अगर मैं प्लेन्स बंद कर दूँ यहाँ से आके, अगर मैं ये इमेज प्लेन्स को बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिखेगा कि आपने कोई गलत वर्टेक्स तो सिलेक्ट नहीं कर लिया, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स के अलावा सिलेक्ट हुआ है। काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं बी प्रेस करूं तो ये हो गया आपका स्मूथ टूल। और बी प्रेस करने के बाद, सॉरी, सॉफ्ट सिलेक्शन टूल, और बी दबा के रखें और मिडल माउस से खींचें, तो ये आपका हो गया रेंज। बी दबा के रखा है, मिडल माउस से खींच रहा हूँ, मिडल माउस दबा के रखा है, और ये आपको रेंज बता रहा है कितने एरिया को ये मूव करने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा हिस्सा मूव करना है अंदर की तरफ, ताकि वो इस गैप को ख़त्म करे, देख रहे हैं आप? और ये किस्तों में होगा, एक बार ये हो गया, फिर लेफ्ट एंड राइट एरो कर रहा हूँ, बल्कि अप एंड डाउन एरो, अप एरो कर रहा हूँ, ऊपर आ गया। कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ गड़बड़ हुई है, तो ये दो वर्टेक्स, खास तौर पे ये वाले वर्टेक्स, अगर ये सिलेक्ट रहता तो क्या होता, ये शेप, हाँ, बिगाड़ देता, ख़राब कर देता है इसको। अगर मैं एफ दबाऊँ तो ये फोकस करेगा इस एरिया को, और मैं ख़ास तौर पे ये एरिया देख सकूँगा कि मुझे इसको किस तरह से ट्वीक करना है। अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, यस, सबको आ रहा है समझ में? राइट एरो, यहाँ तक थोड़ा सा गैप रखें, बिल्कुल आप छोड़ देंगे ना, बिल्कुल आंख से चिपका देंगे, वो बाद में बड़ा मसला करने वाला है, तो बिल्कुल ना चिपकाएं, थोड़ा सा गैप आपने रखना ही पड़ेगा। राइट एरो, बल्कि डाउन एरो, कहीं आपको राइट एरो करना पड़ रहा है, कहीं आपको डाउन एरो करना पड़ रहा है, और नहीं हो तो आपको डाउट हो गया वर्टेक्स गलत सिलेक्ट कर रहा है, तो इस तरह आप सिलेक्शन ले लेंगे।
और आप चेक भी कर लेंगे कि कहीं और का वर्टेक्स भी सिलेक्ट ना हो गया हो। ओके काफ़ी चिपका दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको भी आपने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन रखते हुए, ये थोड़ा आपका नीचे वाला पलक थोड़ा सूझा हुआ होता है, नोट किया आपने, तो उसी हिसाब से आपने। और अगर आप लेफ़्ट और राइट एरो कर रहे हो तो बल्कि पहले आप ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, और इसको सिलेक्ट करने के बाद एक इत्मीनान के लिए देख भी लो कोई और वर्टेक्स ना हो गया हो। ठीक है, सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं ये चेक करने में। सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है, सबको आ रहा है समझ में? चलिए ये ले ही लेते हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन हालांकि अपना काम कर रहा है, लेकिन अपनी एंड में हम ये कर लेते हैं कि इस तरह से इत्मीनान कर लें कि ये सही जगह पे है कि नहीं है। और काफ़ी हद तक हमने इसको करीब कर दिया इसके। लेफ्ट एंड राइट एरो, अप एरो, यस अप एरो से होगा, अप एरो, डाउन एरो नहीं हो रहा तो इस तरह सिलेक्शन ले लें। आपका टारगेटेड जो एरिया वो सिलेक्ट हो जाएगा जिस पे हमने काम करना है, और इत्मीनान करने के बाद आप फाइनली इसको ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है, अब ये हो गया ना, तो बी दबा के आप इससे बाहर आ जाए। अब राइट क्लिक करके मैं एज लेता हूँ, और ये वाला पूरा एज डबल क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया है। ना सिर्फ इस एज को मैं स्केल करूँगा आर दबा के, यूनिफॉर्म स्केलिंग, बल्कि इसको थोड़ा बाहर की तरफ भी ले लूँगा। आ रहा है समझ में? कुछ इस तरीके से। मज़ीद आगे और भी होगी ट्विकिंग, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसको ऐसा ऐसा मज़ीद इसमें चेंजेस लेता हूँ। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं लाइनें ऑफ कर दूँ तो यहाँ पर कैरेक्टर हमने अभी फ़िलहाल यहाँ तक हमने किया है, और मज़ीद इसमें ट्विकिंग होगी। तो यहाँ तक रखते हैं, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।